गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जूनियर केजी में इंग्लिश सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं। इंग्लिश में हमने प्रीवियस वीडियो में वॉवल्स एंड कॉन्सनेंट सीखा था और स्मॉल अल्फाबेट एफ फॉर फिश किया था। आज हम एफ फॉर फिश के बाद क्या आता है, जी फॉर गर्ल। तो क्या लिखेंगे हम, जी फॉर गर्ल। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जी फॉर गर्ल कैसे लिखा जाता है स्मॉल लेटर में, जी ऐसे लिखा। ओके, तो अब हम फोर लाइंस बनाते हैं, मैं उसमें डॉट क्रिएट करूंगी, फिर हम लिखेंगे जी।
ये हो गए जी फॉर गन। चलिए तो अब हम लिखते हैं जी फॉर गन। जी फॉर गन, 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 जी फॉर गन। फिर से एक बार लिखते हैं, फिर से एक बार डॉलर रेट रखती हूँ।
रेस रख के आपने फिर से लिखेंगे जी फॉर गन 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 G for gone. 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 G for gun. ये कंप्लीट हो गया हमारा G for gun. Now next फिर से एक बार हम लिखेंगे. मैं फिर से एक बार वर्ड क्रिएट करूंगी.
जी फॉर गम, 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 जी फॉर गन। यहाँ पे जी फॉर जन गन कंप्लीट हो गया। आज का आपका होमवर्क है, आपको G for gun, write in your notebook. आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया।